I've eaten a snake cooked with like a garnish of scorpion tail. सर मैं 11 साल से बॉलीवुड में ऑडिशन और काम करने की कोशिश कर रहा हूँ. आप अप्स एंड डाउन्स के बारे में मत करिए. मैं इतिहास लिखूँ तो 4-5 किताबें लिख दूँ. एक दिन मुझे काम मिलेगा और लोग कहेंगे कि ये ढंग का एक्टर है. मुझे बस ये देख के खुशी हुई है कि साउथ फिल्म्स, रीजनल फिल्म बहुत ही अच्छा काम करते हैं, इतने कमाल के स्क्रिप्ट्स लिखते हैं. और महेश बाबू तो मतलब यू सीरियस, महेश बाबू इज़ अ लेजेंड. तो अगर वो बोलें कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी, द थिंग इज उनको अगर उनके औकात का लीड का रोल दें फिर बॉलीवुड कैन अफोर्ड हिम. सबसे पहले तो अपन ड्यूटी अगर बात की जाए तो ट्रेलर इज अमेजिंग. बहुत कमाल का ट्रेलर है, आप बहुत कमाल के हैं और सीजन 1 से ज्यादा सीजन 2 में धमाका देखने को मिल रहा है. बिल्कुल. आप बताइए किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है? ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव है. नेगेटिव रिस्पॉन्स मुझे लोग कम देते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं मैं थोड़ा भालू. बट रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव है. माई मदर इज़ क्वाइट हैप्पी, क्वाइट फन. इस बार कैरेक्टर भी थोड़ा काफ़ी एक्शन करते हुए दिखाई दे रहा है. हालांकि एक्शन तो हमने लास्ट टाइम भी किया, लेकिन इस बार कैरेक्टर ना बहुत ज़्यादा खेलता हुआ नजर आ रहा है चीज़ों में. इस बार पिटाई ज़्यादा हो रही है कैरेक्टर की, इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है. वो धुलाई होती है मेरी इस शो में. अब कहानी थोड़ी ज्यादा गहरी है, उसमें ट्विस्ट ज्यादा हैं, स्कोप बड़ा है. और जहाँ से सब थ्रेड्स आ रहे हैं कहानी के लिए, जाल भी थोड़ा वाइड है. सो इट्स मोर इंटरेस्टिंग. इमोशनली अलग है क्योंकि वो मतलब उसका सिचुएशन अलग है. तो पहले सीजन में द लिटिल गर्ल एंड द सुसाइड वो सब, और इसमें अलग. So the emotions are different, but uska jo kahani ki kya bolte hain, kahani ka root thoda zyada gehra hai. So it's a deeper story. Ek mere kiradar ki baat ki hai, is character ki agar baat ki hai, to hamesha jaise hum aapko dekhte hain office screen jo hai, aapka ek alag personality hai and jo character aap play kar rahe hain wo ekdum alag hai, wo ekdum uske ekdum pare hai. Isi ke liye to tankha milti hai sir. Kitna mushkil ho jata hai us character ko pakadna? जितना मुश्किल कैरेक्टर पकड़ने में है उतना ही मज़े आते हैं बाद में. तो मुश्किलें से ही चुनता हूँ. अगर मेरे लिए कोई आसान है तो उसमें करने में कोई, अब शुरुआत में कभी कभी कोई चारा नहीं रहता, यू डोंट हैव एन ऑप्शन. काम मिल रहा है ढंग का, बिना सोचे कर लो, आसानी से कर लेते हो, कोई बात नहीं कर लो. बट आई जनरली मुझे लगता है कि वन शुड ट्राई एंड डू थिंग्स जो आप नहीं कर सकते. So, रुद्र इज डिफिकल्ट. रुद्र मेरे लिए बहुत मुश्किल. तो क्या तैयारी थी इस कैरेक्टर के लिए, क्या डिटेलिंग आपने करी? सर आप जादूगर से अपना सीक्रेट थोड़ी पूछने वाले, क्या बात कर रहे हो? नहीं बताऊं. लैंग्वेज से लेंगे क्योंकि इसके डायलॉग की अगर बात की जाए तो yeah. इस बार सीजन 1 से ज्यादा डायलॉग इसमें हमें देखने को मिले. या रुद्र सीजन 1 से ज्यादा वायलेंट हो गया अभी तक? नहीं, रुद्र उतना ही वायलेंट है. हाँ, वायलेंस जितना जरूरी है उतना ही देता है. इसमें कुछ ज्यादा ही लोगों को वायलेंस दिखानी पड़ी थी इसलिए ज्यादा वायलेंट दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही नाराज है. तैयारी के बारे में बताइए. इसकी जिस तरीके से आपने बताया कि जो कैरेक्टर को अगर जीने के लिए अगर आपको टाइम नहीं मिला है, जिस तरीके से आपने बताया कि मैजिशियन से आप उसके जादू के बारे में पूछ रहे, फिर भी अगर कोई झलकी अगर आप उसकी बता दो कि सबसे आसान आंसर है, जितनी बार आप स्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, आप या आपको अंग्रेजी में करनी है, किसी भी भाषा में करनी है, या तो आपकी फर्स्ट भाषा है, डजंट मैटर, आप स्क्रिप्ट पढ़ते जाओ. क्योंकि बाकी सब सोच में आप बैठ के पता नहीं 2-3 घंटे सोच सकते हो, लेकिन आपका काम कहाँ है? स्क्रिप्ट पे. तो समझ कहाँ से आएगी? स्क्रिप्ट से. अगर गहराई निकालनी है अपने लिए कुछ, तो वो स्क्रिप्ट से ही निकल सकती है, उसी के बीच. सो मैं स्क्रिप्ट पढ़ता ही रहता हूँ, शूटिंग के दौरान भी पढ़ता ही रहता हूँ, जो सीन चल रहा है उसको भी पढ़ता रहता हूँ. क्योंकि मेरे लिए, मैं अब थोड़ा धोबी का कुत्ता हूँ, बहुत भटक चुका हूँ, तो मेरी अंग्रेज़ी कुछ ज़्यादा ही मजबूत है और हिंदी थोड़ी कच्ची है. इतनी भी बुरी नहीं है, मैं यहाँ बम्बई में देख चुका हूँ, मैं साला नया आया हूँ, मैं इनसे हिंदी बेहतर बोल सकता हूँ, शर्म खाओ साहब. बट एनीवे, मेरे लिए लैंग्वेज और उसका करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा फ्रॉड लगूंगा, है ना? तो क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम, ये सब, यू नो, ये सब ठीक नहीं है.
उसके लिए प्रेपरेशन कुछ ज़्यादा थी। लकली वरुण बडोला जिसने डायलॉग्स लिखे थे फर्स्ट सीजन के लिए, वो अब अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मैं बैठ के बस गुफ्तगू करता रहा और उनकी, क्योंकि उनके ही डायलॉग्स हैं, भाषा भी उनकी है, मैं बस उनको ही कॉपी कर रहा था। सो वरुण बडोला इज द रीजन रुद्र श्रीवास्तव हैज गुड हिंदी। सिमिलैरिटीज़ हमेशा ऑब्वियस सिमिलैरिटीज़ तो मतलब फिजिकल हो जाती हैं, लेकिन उससे अनइम्पॉर्टेंट सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस हमेशा अंदरूनी होती हैं। सो रुद्र की नाराज़गी मैं समझ सकता हूँ कि वो अब ऐसी दुनिया हो गई है कि अगर रुद्र मुगल एरा या महाराणा प्रताप या ये सब के ज़माने में होता, उसके स्टैचू बनते, घोड़े पे बैठा दो, तलवार दे दो, 100 लोगों को मार डालेगा। तब ये क्या बोलते हैं, दिस वॉज अ थिंग, लोग इससे मशहूर होते थे। इस दुनिया में कौन कर सकता है, राइट? तो फिजिकल उसकी ताकत, उसके कुछ नहीं होता। जब जिंदगी आपके लिए आती है तो ताकत के साथ थोड़ी आती है। आप बीवी को बीमार करती है, आपका घर जब्त करवा देती है, यू नो, इन सब से रुद्र लड़ नहीं सकता। उसकी फ्रस्ट्रेशन वहीं से आती है और हमारी फ्रस्ट्रेशन भी कुछ ऐसे ही है। सो इसमें सिमिलैरिटीज थी, बाकी रुद्र और मेरे सिर्फ फर्क ही फर्क। That's right. कभी कोई रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जिस तरीके की सिचुएशन से रुद्र लड़ रहे हैं? आपने आपने भी कभी इस तरीके की कोई सिचुएशन से लड़ा हो जो आप बताना चाहें? मतलब इट्स बीन एन इंटरेस्टिंग लाइफ। बहुत बहुत पिटाई खा चुका हूँ, सब हमेशा इस साइज का नहीं था। नहीं, बस द यूजुअल। मैं स्कूल में पिटा, कॉलेज में कम पिटा क्योंकि अब थोड़ा लड़ाई करना सीख गया था। फिर न्यूयॉर्क में जब मैं रह रहा था, मैं पार्ट टाइम बाउंसर था रात को क्लब्स में, वहाँ भी इंटरेस्टिंग रात में बिताई है। बट इट्स फन। आई एम नॉट फिजिकलिटी से मैं डरता नहीं हूँ। सो विच इज़ वाई आई लाइक ऐसे किरदार जैसे रुद्र के जैसे, जिसमें फिजिकैलिटी, ये नहीं कि मार धाड़, बस फिजिकल एग्जर्शन, आई एम गुड एट दैट। सर, काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी, अगर जर्नी की अगर बात की जाए, तरह तरह के आपने रोल्स करे हैं, तरह तरह के आपने किरदार निभाए हैं, इस जर्नी को किस तरीके से देखते हैं आप और किस तरीके के अप्स एंड डाउन्स आपने पर्सनली देखे? जर्नी तो बहुत लकी हुई है। लोग बोल सकते हैं कि टाइम ज़्यादा लगा या इतने मशहूर नहीं हुए, इतने कामयाब नहीं हुए, वो सब बकवास है। जर्नी अच्छी थी क्योंकि अभी तक काम चल रहा है और मेरा स्किल सेट थोड़ा बेहतर होता जा रहा है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और अप्स एंड डाउन्स तो सबके होते हैं, अब अपने अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात करने में क्या होता है। जहाँ पे आपको लगा हो कि जो इतना लंबा चौड़ा आप आदमी देख रहे हो, या सर, मैं 11 साल से बॉलीवुड में ऑडिशन और काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अप्स एंड डाउन्स के बारे में मत करिए, मैं इतिहास लिखूँ तो 4-5 किताबें लिख दूँ। इट्स जस्ट डिफिकल्ट। एक्टिंग आसान काम नहीं है और अपने ख्वाब में भरोसा रखने के लिए जब पूरी दुनिया बोल रही है कि हर ऑडिशन, मतलब 99% ऑडिशन तो फेल होते हैं, 99% मीटिंग के लिए जाते हो, लोग आपके कभी कभी मुंह पे बोल देते हैं नहीं ये नहीं, तो ये सब विश्वास रखना कि एक दिन मुझे काम मिलेगा और लोग कहेंगे कि ये ढंग का एक्टर है, मुश्किल चीज़ है। और ये बात तो छोड़ो कि जिंदगी कैसी है, शहर, हिस्ट्री, कल्चर, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, वो तो सब अलग, वो तो उसके बारे में बात ही नहीं शुरू करना है, डिफिकल्ट। रिजेक्शन इज अ बिग सेटबैक हमेशा, क्योंकि वो एवरीथिंग एल्स इज लाइफ, बाकी सब तो देख लेते हैं, बीमारी, घर बदलना, घर यहाँ से निकल जाना, वीज़ा ख़त्म हो जाना, पैसे ख़त्म हो जाने, वो सब देख चुके हैं। रिजेक्शन काम की वजह से इट्स हार्ड, वो हमेशा जैसे रुद्र है, वो इससे लड़ नहीं सकते हो आप, क्या करोगे, मतलब ऑडिशन वाले को पीट दोगे?
रिजेक्शन इज मोस्ट डिफिकल्ट। बहुत कम चुनिंदा काम आप करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? बहुत कम नजर आते हैं आपके फैंस को, फैंस आपको और जितना व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे बोला गया है कि मैं सच नहीं बोलूँ इस जवाब का, लेकिन मुझे सच ही हमेशा पसंद था। आप जितना काम मिलता है उसमें से जितना बेहतर मैं चुन सकता हूँ उतना ही करता हूँ। इतना ही मिलता है तो इतना ही निकलता है। सो ज़्यादा काम मिलेगा ज़्यादा काम दिखेगा, तो कोशिश तो जारी रहती है। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एवरीथिंग। मैं हर टाइप का किरदार तो निभा ही नहीं सकता, मैं दिखता भी नहीं हूँ हर टाइप के किरदार का। कॉलेज स्टूडेंट चाहिए या यू नो लाइक, सो काम मिल रहा है ये बहुत है। ज़्यादा कम ये बात, ये सोचने में अब मैं वक्त बर्बाद नहीं करता हूँ। जो साउथ एंड बॉलीवुड को लेके जो आजकल जो चर्चा छिड़ी हुई है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप किस तरीके से लेते हैं इन दोनों विषय को, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन हूँ और मैं, मेरी स्कूलिंग और मेरा बचपना पूरा तमिलनाडु में हुआ। सो आई एक्चुअली नो साउथ फिल्म्स बेटर देन हिंदी फिल्म्स। मुझे बस ये देख के खुशी हुई है कि साउथ फिल्म्स, रीजनल फिल्म बहुत ही अच्छा काम करते हैं, इतने कमाल के स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। इट्स ऑल सक्सेस। प्रॉब्लम क्या है? सब अच्छा करो ना। कोशिश तो यही होती है कि सब बेहतर होते जाएं। इट्स ऑल पॉइंटलेस। आई एम हैप्पी द साउथ इज डूइंग वेल। आई एम हैप्पी दैट बॉलीवुड थिंक्स दैट अरे अब थोड़ा मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। करो, और मेहनत ज़रूरी है। इट्स ऑल गुड। रिसेंटली महेश बाबू ने भी एक स्टेटमेंट दिया था अंदर, दे काफी सेड कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी। दैट्स राइट। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? मैं हमेशा सोचता हूं कि जो अपनी कीमत जानता है, और महेश बाबू तो मतलब यू सीरियस, महेश बाबू इज अ लेजेंड। तो अगर वो बोलें कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी, द थिंग इज उनको अगर उनके औकात का लीड का रोल दें फिर बॉलीवुड कैन अफोर्ड हिम। But if Bollywood wants Mahesh Babu to be something else, why should Mahesh Babu be anything else? I think that's what he means. And Mahesh Babu is Mahesh Babu. He's a living legend. It's amazing. Whatever he thinks is right for him, that's what he should do. If I agree or don't agree, it doesn't matter because main koi aur hoon. Sir, aapko nahi laga koi agar koi aisa dream role jo aap karna chahte ho lambe samay se, jo aaj tak karke aapko mauka nahi mila? Wo to बचपना का, मतलब बच्चे का ख्वाब है। या तो बैटमैन या तो जोकर। एंड दिस हैज बीन ट्रू सिंस बिफोर हीथ लेजर। दिस इज नॉट सम कूल आंसर। आई हैव बीन अ बैटमैन फैन सिंस 1984। सो आइदर बैटमैन और द जोकर। ओह, और इंडियाना जोन्स। इंडियाना जोन्स रीबूट। स्टीवन, दिस गाय। ग्रेट वर्ड। मेरे दो अलग पैशंस हैं दैट आई डू परस्यू। मैं लिखता हूँ और मैं आई स्केच एंड आई पेंट। तो सो आई डू डू दोस। आई हैव अदर पैशंस बट वो तो मतलब लंबी लिस्ट है। व्हाट्स द मोस्ट बिजार थिंग यू हैव एवर ईटन? मोस्ट बिजार थिंग आई हैव एवर ईटन? आई हैव ईटन अ स्नेक कुक्ड विद लाइक अ गार्निश ऑफ स्कॉर्पियन टेल। नॉट द टेल बट द, इसके बारे में जानना चाहूँगा, बताइए। इन अमेरिका एक शहर है न्यू ऑर्लीन्स, इट्स इन लुइजियाना। वो बहुत स्वम्पी मैंग्रोव टाइप का बहुत। सो उनके जो कभी कभी लोकल क्विजीन है उनको दे मेक डू विद व्हाट दे हैव, जो मिलता है। तो वहाँ पे दे ईट एलिगेटर। मैं मगरमच्छ भी खा चुका हूँ। आई हैव हैड फ्रॉग्स। इफ आई ट्रैवल, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग क्या करते हैं। अगर लोग खा के मर नहीं रहे हैं तो मैं, मुझे भी ट्राई करना है। What's one piece of advice you would go back and tell your younger self? Be happy. Everything else is pointless. Just be happy. I would do that. What's the first thing you notice when it comes to someone from the opposite gender? Grace. There's a
because what you see first, how you see them, everything is different. But some people, Mardya Stri, they have a grace. Jo ab kam hi kam dikhta hai. Natural, there's a... What's something many people take seriously, but you should not? Yourself. Don't ever take yourself seriously. What is at the top of your bucket list? बहुत ही बड़ी बाल्टी है. टॉप ऑफ बकेट लिस्ट, आई वांट टू गो डाइविंग. मैं आई सर्फ, मैं स्विमिंग भी बहुत करता हूँ, बट आई हैव नेवर बीन स्कूबा डाइविंग. तो मुझे स्कूबा डाइविंग करनी. व्हाट इज ऑलवेज गारंटी टू मेक यू एंग्री? गारंटी टू मेक मी एंग्री, दुष्ट लोग जब दुष्ट होते हैं ना, गारंटी नहीं नहीं दुनिया देखो क्या बोलने की क्या जरूरत है. हाँ, जब लोग एक दूसरे को या अत्याचार या that makes me angry. What's your one good movie if you're in a bad mood? Disney Jungle Book.